ओके मैम। ओके ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। नाउ यू कैन मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके क्लास, तो हम लोगों का थर्ड यूनिट है, जो थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट ऑडिटिंग है, और आई होप ऑडिटिंग में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया होगा और काफी कुछ आपको क्लियर होगा। जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी स्कैनिंग, उनकी ऑडिटिंग बहुत जरूरी होती है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आर दे प्रॉपरली रनिंग अप टू दी मार्क्स, अप टू दी स्टैंडर्ड्स। तो ये सब हमें जानने के लिए ऑडिटिंग पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी बिजनेस एंटिटी का पार्ट हैं, और इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या आप उनके यहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, तो आपको पता हो जाता है कि किस तरह से ऑडिटिंग होती है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या आप कहीं जॉब करोगे, तो भी आप देखोगे कि किस तरीके से ऑडिटिंग होती है, और आपको पूरा उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक, तो हमारे सब्जेक्ट का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इट इज ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, उनके कैटेगरीज क्या हैं, और उनका ऑडिट प्रोसेस क्या है। ऑडिट प्रोसेस तो लमसम सबका सेम ही होता है, बस एक जर्नल होता है ना, कि अगर जैसे हम फार्मा कंपनी की ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिक जो हम स्पेसिफिक चीजें हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो ड्रग्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में, ठीक है, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम कोई ऑटोमोबाइल कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें वहां के एक्सपर्ट्स को लेकर जाना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए किस तरह के बॉडी पार्ट्स बनते हैं वहाँ पे, किस तरह की चीजें वहाँ बनती हैं, और उनकी ऑडिटिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। सेम ये होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटेड कंपनीज। फाइन, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, हम लोग रीड आउट कर लेते हैं समझने के लिए। अ लिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर द कंपनी हैज अ लीगल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंपनी होती है, उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, जैसे हर कोई ह्यूमन बींग का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, सेम इसी तरह किसी भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो उनका भी एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, उनका अपना खुद का पैन कार्ड होता है, सारी चीजें होती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है, यानी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स, मैनेजर, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, इन सब से अलग उस कंपनी का एक अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज तो वो लिमिटेड कंपनीज। और आगे लिखा हुआ है, इवन इफ अ कंपनी हैज ओनली वन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली अगर कोई एक या दो भी लोग हैं, लेकिन तब भी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, वो रहेगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसको बनाया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करने चाहते हैं, तो वो यही सारी फॉर्मेलिटीज देखते हैं कि आपने जितने भी बायलॉज हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हर कंपनी को नीड होती है एक चार्टेड अकाउंटेंट की और एक कंपनी सेक्रेटरीज की। चार्टेड अकाउंटेंट का वर्क ये होता है कि वो उनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी प्रोसीजरल चीजें होती हैं, उसे चेक करते हैं। और जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी कंपनी कितने कैपिटल से स्टार्ट हुई, कब उसका कमेंसमेंट हुआ, ठीक है, प्रॉपरली चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ठीक, आप टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपकी जो पूरी बायलॉज होती है, मेमोरेंडम होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आपने प्रॉपरली किया हुआ है ये नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जब हमें बताया जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक लिमिटेड कंपनी है। और कहीं ना कहीं इनका रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि लोगों का ट्रस्ट जो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी ट्रस्ट आप पर कैसे बनेगा। फाइन, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी। और इस अभी करंट टाइम में तो हम देख ही रहे हैं कि लोगों ने इतने सारे स्टार्टअप्स खोले हुए हैं, इतनी सारी चीजें करी हुई हैं, ये सब लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज ही हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं
कि इनकी कैटेगरीज क्या हैं, या इनके और अलग अलग हम लोग इनको कितने कहा जाए सेक्शंस में बांट सकते हैं लिमिटेड कंपनीज को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक, उसके नाम से ही लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड, दो अगर हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात करें तो उसको दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। फिर उसके बाद हम लोग प्राइवेट में भी अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। प्राइवेट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। फाइन, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी जो एक इंडिविजुअल लीगल एंटिटी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से क्या फायदा होता है और पब्लिक लिमिटेड बनाने से क्या फायदा होता है। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी आपके पास प्रिवेसी रहती है, बहुत सारी चीजों की प्रिवेसी रहती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आपको अपने अकाउंट्स, आपको अपनी सारी चीजें पब्लिक करनी ही पड़ती हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा सा दायरा होता है, आपके लिमिटेशंस होती है बहुत सारी चीजों को लेकर। आप कहा जाए कि अगर शेयर होल्डर्स, तो हम लोगों के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स का भी एक असेसमेंट होता है कि भाई इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स या इससे ज्यादा डायरेक्टर्स या इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक लिमिटेशंस होता है। पब्लिक में वो लिमिटेशंस नहीं होता है, इसीलिए आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली ऑफर करनी ही पड़ती है, पब्लिकली अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस जो होता है ना, इस भार को कम करने के लिए, लाइबिलिटीज को कम करने के लिए हम प्राइवेट हो जाते हैं। ठीक, और भी बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग बात करें जैसे सबसे पहले है एक कहीं ना कहीं एक ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। आसान होता है आपके जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना, आसानी से आप इशू कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग पब्लिकली जब भी हम इशू करते हैं शेयर्स तो हमारे जो अमाउंट होता है वो कम होता है, लेकिन जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं तो हमारे पास बोरोइंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, यानी एक ही इंडिविजुअल से हम ज्यादा अमाउंट भी शेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। ठीक, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा ये चाहते हैं, जो मतलब एक उनका दायरा छोटा होता है तो ये हमेशा चाहते हैं कि भाई हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में रहें और ये सारे जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें बेनिफिट्स मिलते रहें। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो अभी करंट में बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो हमारी आसपास चल रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, ओला, स्टैम्प डील। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कहीं ना कहीं ये प्राइवेट एंटिटीज हैं और अच्छा एक मतलब स्टार्टअप ही थी ये सब, और अभी करंट में बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही हैं, तो अभी भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही हैं। तो अगर हम लोग बात करें डिफरेंसिएशन की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अगर हम लोग बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो अगर हम उसमें उसके डिफरेंसिएशन की बात करें तो आपको बेटर तरीके से एक ब्रॉडर वे में समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो उसमें क्या डिफरेंस है एक प्राइवेट होने में और अगर हम लोग बात करें उसके पब्लिक होने में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रन कराने की बात करी जाती है तो बात करी जाती है कितने लोग रन कराएंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो इसमें मिनिमम कम से कम दो लोग होने चाहिए, यानी दो डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जब हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, मतलब उसमें मिनिमम जो लोगों की क्वांटिटी होती है वो 7 है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे और डिफरेंस जो इनके हैं पब्लिक और प्राइवेट में वो हम और डिस्कस कर लेंगे। तो आपको प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो हमारे आसपास हैं बहुत सारी हैं, प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी है, तो हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कौन सी प्राइवेट कौन लिमिटेड कंपनी है और कौन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी ओन्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। और जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो भी प्राइवेट होंगे, आप नहीं बताओगे कि वो कौन आपके शेयर होल्डर्स हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की यही एक प्राइवेसी है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, और जो जो जितने वो शेयर इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ अ शेयर होल्डर इन्वेस्टेड 30% ऑफ अ कैपिटल देन दैट शेयर होल्डर इज ओनली लायबल फॉर 30% ऑफ ऑल डेट्स। ऑल डेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, यानी जितने परसेंट की हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन में शेयरिंग है उतने ही पार्ट का हमारे ऊपर लायबिलिटी बनेगा, या लीगलिटी में जो भी बनेगा वो 3%। अगर हम 5% के शेयर होल्डर हैं तो हमारे ऊपर जो पेनल्टी या लगनी है तो वो भी 5% की ही लगेगी हमारे ऊपर। अगर हमें बेनिफिट्स अर्न होंगे तो 5% के ही बेनिफिट्स भी हमारे पास अर्न होकर आएंगे। फाइन, तो ये तो हो गई लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फाइन, अब जैसा कि इसमें वर्ड आ गया गारंटी, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि आई एम सपोर्टिंग यू और हम आपके एज अ गारंटर काम कर रहे हैं, हम एज आपके बैकबोन काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बेसिकली जब एज अ गारंटी काम कर रही होती है तो ये वो एसोसिएशन होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी एक यूनाइटेड पर्पस को फुलफिल करने के लिए पूरा करा जाता है। फॉर एग्जांपल क्लब्स होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करा होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह की चीजों को कराती है, या कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। बट इनका कहीं ना कहीं जो इनका सपोर्ट होता है, जो इनके गारंटर्स होते हैं, वो हैवी या ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से फ्लैशी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे इसमें शेयर्स की बात नहीं होती है कि आपको आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी है, आपने इतने शेयर्स इन्वेस्ट किए, यहाँ पर वो बात नहीं होती, यहाँ पे जस्ट एज गारंटी की बात होती है। और वो इन्वेस्ट करते हैं, वो एक तरीके से सपोर्ट मेंबर्स कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, वो किसी भी एसोसिएशन के मेंबर्स हो जाते हैं और जो वो उसमें रेगुलर तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना कुछ अमाउंट, तो उसमें ऑनरेरी बेसिस पे देते जाते हैं, सो दैट इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, क्लब्स हैं, वो अच्छे प्रॉपरली तरीके से रन हो सके। इनकी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना कि लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि ये गारंटी बाय अ लिमिटेड गारंटी वर्क करते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं। तो इनमें हम लोग शेयर्स वाली बात नहीं करते हैं, या शेयर कैपिटल की बात इसमें नहीं होती है। और हम कह सकते हैं दीज कंपनीज यूजुअली रिसीव देयर इनिशियल फंडिंग थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्टार्टिंग में जब इनको हेल्प की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट के थ्रू इनको ग्रांट्स मिलते हैं, और जितने फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं, डोनेशंस देते हैं। इस तरीके से ये लिमिटेड बाय गारंटी इस तरह से रन करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका जो पर्पस होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ओरिएटेड होता है। अगर हम लोग देखें इस तरह से प्रॉफिट मेकिंग को ये सेकेंडरी पोजीशन पे रखते हैं और चाहते हैं। और हाँ, ये इसलिए भी किया जाता है ना क्लास, बिकॉज पीपल ऑलवेज अर्ज टू टेक टैक्स बेनिफिट्स। लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिले, तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिससे उनको टैक्स में काफी छूट मिले। तो भी लोग शेयर कैपिटल, क्योंकि आपको उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न होगा अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स में जाएंगे, तो लोग ये चाहते हैं अच्छा हमें कैसे अपना टैक्स का बेनिफिट होगा, देन दे ऑप्ट फॉर दिस, वो आ जाते हैं लिमिटेड बाय गारंटी में, और उनको टैक्स में हैवी रिबेट्स मिलते हैं। हालांकि उसमें भी एक लिमिटेशन होती है कि आपको उससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी अगर हमें टैक्स में छूट मिलती है किसी भी तरीके से, तो हम उस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोग लिमिटेड बाय गारंटी की बात करेंगे तो टैक्स बेनिफिट के एडवांटेजेस होते हैं, और जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कंपनी सेक्रेटरीज में तो हमें पता चलता है अच्छा हमें टैक्स पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो हम वो चीजें ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात करी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी।
जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये शेयर्स की तरीके होता है, लेकिन इसमें बस आप क्या एक वर्ड देख रहे हो, पार्टनरशिप वाला एक वर्ड ऐड हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो लोग हैं और एक को बहुत अच्छा कुकिंग करनी बहुत अच्छी आती है, तो एक दो लोग साथ में मिलकर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने पार्टनरशिप में कर लिया, 50-50 की लायबिलिटी ओन कर ली कि भाई 50-50 हम लोग कैपिटल लगाएंगे और जो शेयर्स होंगे, जो हमें प्रॉफिट्स अर्न होंगे वो भी हम 50-50 कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लिमिटेशंस के अंदर हमने एक पार्टनरशिप कर ली है। तो इस तरह के जब पार्टनर्स बन जाते हैं और इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है शेयर्स का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लाइबिलिटीज का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रॉफिट्स का, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को हम LLPs बोलते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी LLPs भी काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब बिजनेस ठप हो गया तो उन्होंने, कई लोगों ने मिलके वेंचर्स बना लिए। इस तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स में काम करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये शेयर्स की तरीके होता है, बस इसमें पार्टनर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फाइन, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। बहुत लेट लेट तक सब लोग आ रहे हैं। ओके क्लास, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और मेजर जो डिफरेंस, अगर हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की हम लोगों ने बात करा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, फाइन। उसके नाम से ही चल रहा है, उसमें नाम में ही लगा हुआ है पब्लिक, यानी आपकी जितनी भी मेजर चीजें होंगी वो पब्लिकली आपको ऑफर करनी पड़ेंगी। एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपका, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपके मिनिमम नंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक, जो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी एनुअल जर्नल मीटिंग, एक लीगल तौर पे उनको हर साल एक एनुअल जर्नल मीटिंग करनी होती है और ये कंपलसरी होती है। प्राइवेट के केस में ये कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन पब्लिक के केस में आपको इन जर्नल बताना ही होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने सारी इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को दी है या नहीं दी है, आपने अपनी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, आपके एसेट्स बढ़ रही हैं घट रही हैं, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपने पब्लिकली ऑफर करी है या नहीं, ये बताना पड़ता है। इसके लिए आपको एक स्टेचरी, ठीक है, एनुअल जर्नल मीटिंग करनी होती है और ये कंपलसरी होती है क्लास, ठीक। तो और नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वहां पर, जैसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब हम लोग शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं आपस में ही उन्हीं के बीच में शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हम आपस में ही शेयर्स करते हैं, किसी को बेच दिए या किसी से खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते भी हैं तो हम आपस ही में करते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम जब ऑफर करते हैं शेयर्स, तो हम पब्लिकली ऑफर करते हैं, तो यानी यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हमें वो शेयर्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर आ जाता है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या लीगल चीजें होती हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ज्यादा होती हैं। सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कंपनीज एक्ट 2000, अभी 13 चल रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें पास करनी पड़ती हैं। हमारी कंपनी का एक, हमें अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है, अगर डायरेक्टर को हटाना है या कुछ भी करना है या डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो हमें क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जो प्राइवेट में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी मैंडेटरी चीजें हैं, बहुत सारी कंपलसरी चीजें हैं जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होती है, बिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है इन सब चीजों से। तो अगर हम लोग बेसिक बेसिक डिफरेंस की बात करें ना, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में 7,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हमने डिस्कस किया था टू। ओके फिर हम लोग अगर बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑलरेडी हम लोगों ने टू मेंबर्स की बात करी, तो दोनों डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सेवन मेंबर्स हो मिनिमम और थ्री डायरेक्टर्स। और अगर हम लोग मैक्सिमम नंबर्स की बात करें तो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, यस यस ओके। तो अगर हम लोग बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें तो 200 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं किसी भी प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड होते हैं। और फिर हम लोग कैपिटल की अगर बात करें तो मिनिमम कितनी कैपिटल आपको चाहिए हो, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो तो 1 लाख जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के तहत। और अगर हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम कैपिटल 5 लाख चाहिए। ठीक है, और जो अगर हम लोग इनवाइट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, हम सारी सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उन्हीं को ही ऑफर्स देते हैं। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम जो इनविटेशंस देते हैं शेयर्स के लिए वो पब्लिकली ऑफर करते हैं, उसमें दायरा नहीं होता, उसमें लिमिटेशंस नहीं होती हैं। फाइन, और अगर हम लोग बात करें कि मीटिंग्स की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ईयरली एक मीटिंग करनी ही करनी है, बट इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको ईयरली एक, मतलब एक मैंडेटरी मीटिंग होती है जिसे स्टेचरिंग मीटिंग कहते हैं, ऐसी एक मीटिंग आपको ईयरली करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज बन सकती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्यों नहीं करी आपने इस तरह की मीटिंग्स। ठीक, मतलब ये एक मिनिमम है, एक से ज्यादा भी हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं उसके लिए। और अगर हम लोग बात करें कि जब रजिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक का भी होता है प्राइवेट का भी होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वेट करना पड़ता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का। जब वो मिलता है तभी वो अपनी जो कमेंसमेंट है वो स्टार्ट कर पाते हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उनको कमेंसमेंट के लिए उस सर्टिफिकेट का वेट नहीं करना पड़ता। मतलब वो अपना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सारी चीजें करी और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उनको वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई हमें जब वो लेटर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जब हमें सर्टिफिकेट इशू होगा तभी हम अपना बिजनेस रन करा सकते हैं। तो इसमें मैंडेटरी है, उसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और सेम इसी तरीके हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनको अपना कहा जाए कि जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है या सारी चीजें इनको बनानी पड़ती है और पब्लिकली दिखानी भी पड़ती है अपनी मीटिंग्स में। और इसके अलावा भी आप देखते हो कभी अगर न्यूज़पेपर्स देखा हो तो उसमें बहुत बार आप देखोगे कि बैलेंस शीट्स आती हैं या इस तरह की चीजें आती हैं। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप ये पब्लिकली ऑफर करोगे, या अगर आप न्यूज़पेपर में नहीं कर रहे हो तो आप अपना प्रोस्पेक्टस निकालो, उस प्रोस्पेक्टस में आप पूरी इंफॉर्मेशन दो कि आपके पास पिछले साल कितनी एसेट्स थी, पिछली बैलेंस शीट में क्या था और इस बैलेंस शीट में क्या है। अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखें ना, तो एक बार सत्यम आईटी कंपनी थी, उन्होंने इसी का फेक काम किया था। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो प्रोस्पेक्टस में अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेक एसेट्स दिखाई थी। उन्होंने कहा था भाई हमारे पास ये भी हो गया और ये भी, उन्होंने फेक एसेट्स दिखाई थी। तो बाद में उनके ऊपर काफी लीगल एक्शंस हुए थे, और क्योंकि ये गलत है, आप फेक डेटा या फेक चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कानूनन कहा जाए इस पे आप पे लीगल पेनल्टी बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पर ये हुआ था। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि ऑडिटिंग में हमें ये तो पता होना चाहिए ना भाई प्राइवेट कौन सी है पब्लिक कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उनका ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि एनुअल जर्नल मीटिंग या स्ट्रेचरी मीटिंग पब्लिक को करनी होती है प्राइवेट को करनी होती है, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है तो हम ऑडिट करते हुए चेक ही नहीं कर पाएंगे। हम तो देखेंगे भाई इनके अकाउंट्स पूरे हैं, इनकी सारी चीजें पूरी हैं, गुड गुड गुड, फिर हम बाद में चेक कर पाएंगे ना। तो हमें ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि
कौन कौन सी कहा जाए स्टैंडर्ड्स है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पर ऑब्वियसली अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, हम लोगों ने वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। जो जितने भी लिमिटेड कंपनीज होते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी टैक्स में भी रिबेट्स मिलती हैं, और ये सारी चीजें पता है इसलिए भी कराई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स स्टार्ट होंगे तो आप क्या करोगे, जॉब लेने से ज्यादा आप जॉब देने में ज्यादा यकीन रखोगे। आप जॉब्स लोगों को प्रोवाइड कराओगे तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि आप इस तरह की चीजें करो। फाइन। और बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें कि जितनी भी लिमिटेड कंपनीज होती हैं इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि जो कंपनी है, जो कंपनी के ओनर हैं वो एक तरीके से स्टैंड हो सके, वो एक तरीके से उन्हें बेनिफिट्स भी मिल सके, और सेम उनका रजिस्ट्रेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आप पहले क्या होता था, पहले इतने ज्यादा लॉज नहीं थे, पहले क्या होता था बाहर की कंपनी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आकर चीट करके चले जाते थे। ठीक है, तो अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रहेगा, अगर हमारे पास लीगल एक हमारे पास वॉल रहेगी, तो कहीं ना कहीं हम इन जो जो होता है ना फॉरेन चीटर्स या बाहर के जो भी चीटर्स आ रहे हैं जो हमको फ्रॉड करके हमारे साथ चले जा रहे हैं, तो हमारे पास एक कहा जाए प्रोटेक्शन शील्ड रहेगी, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट से या लीगल चीजों से हम पहले भी बाइंड हैं। तो ये एक बेनिफिट है लिमिटेड कंपनी का। फिर हम लोगों को ऑब्वियसली टैक्स में रिबेट्स मिल रही है अगर हमें प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, और हम एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट एज अ गारंटर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे अभी क्या होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या आती है इन्वेस्ट करती हैं, तो जैसे टाटा वाले भी अन अकेडमी या बायजूस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी अडानी ग्रुप है वो भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे netmed.com करके है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। वो तो ये अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट हम लोग इसीलिए कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिल सके और हमें टैक्स में भी छूट मिल सके कि हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें हमें छूट भी मिले। ठीक है, रिलीफ्स भी मिले। फाइन। फिर ये तो हम लोगों ने बात कर ली है यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देयर बेनिफिट्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब क्या है, हम लोगों को इसका ऑडिट करना है। फाइन, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए भाई ऑडिटिंग कैसे करते हैं। तो ऑडिटिंग के एक कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज का जनरल प्रोसेस होता है ना, किसी भी चीज को स्टार्ट से एंड तक ले जाने के लिए अगर हमें पता हो ना कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, तभी हम वो टास्क परफेक्टली कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑडिट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लान। किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है प्लान। यानी अगर आप जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बात किया था ना ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो, आप वहां के अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे। अगर आप किसी फार्मा कंपनी में जा रहे हो ऑडिटिंग करने, तो आप वहां के अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे। ठीक है, या इसके अलावा आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो, फॉर होटल्स हो गए, हाँ, या जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो गई, अगर आप वहां ऑडिट करने जा रहे हो तो वहां का प्लानिंग प्रोसेस अलग होगा क्योंकि वहां सर्विसेज दी जा रही हैं, कई जगह प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, कई की ब्रांचेस बहुत अलग अलग दूर दूर हैं। तो आप इस पूरे को प्लान कैसे करोगे? तो एक बेटर ऑडिटर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें एसेस करनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, प्लानिंग। अगर हम लोग प्लानिंग को बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना 5W1H, व्हाट व्हेन वेयर, यानी किस चीज की ऑडिटिंग करनी है, व्हाट। ठीक है, रीजंस की बात करते हैं जिसमें हम लोग व्हेन, टाइम। ठीक है, आप ब्रांच का ऑडिट कब करोगे, हेड ऑफिस का ऑडिट कब करोगे, व्हेन, टाइम। फिर उसके बाद आ जाता है हु, तो हु का मतलब हो गया पर्सन, किसको हम क्या काम देंगे। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनी में अगर ऑडिटिंग कर रहे हैं
हमने किसी ऐसे बंदे को भेजा हुआ है ऑडिटिंग के लिए, चेक करने के लिए, जो केमिकल्स को ही नहीं पहचानता, जो दवाओं के जो होता है ना कॉम्बिनेशंस, उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर क्या होगा, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। और जो कंपनी होगी वो हमको रिप्रेजेंट कर देगी कि भाई ये केमिकल है, देखिए हमारे पास इतने हैं, और हम कहेंगे यस यस ओके ओके हो गया आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे, तो हु पर्सन, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाई रीजंस, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने आए हैं तो क्या गवर्नमेंट ने हमें बोला है ऑडिट करने को, या हम एक जर्नल ऑडिट है, ईयर हर साल वो ऑडिट कराते हैं, हम वो ऑडिट करने आए हैं, या एक कोई इंटरनल ऑडिट चल रहा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि रीजन क्या है ऑडिट करने का, ठीक है। हमें कौन से फिजिकल एविडेंसेस पे काम करना है, और जो 5W1 है जो उसमें एच आता है, तो एच के मीन्स होता है हाउ, हाउ मीन्स प्रोसेस, यानी जब भी हम प्लान करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे और एंड कैसे करेंगे, फाइन। तो ये हो गया 5W1H की हम लोग बात करते हैं जब भी हम कोई चीज प्लान करते हैं। इवन इस 5W1H को आप किसी भी जगह प्लानिंग में आप उसको यूज करके देख लो, ये सब जगह सेम तरीके से लायबल है। फिर आ जाते हैं सेकेंड नोटिफिकेशंस। ऑब्वियसली आप जिस भी डिपार्टमेंट का जहां पर भी ऑडिटिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, आप नोटिफिकेशन दोगे, आप उन्हें बताओगे, आप पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, और ये दोनों तरह को, यानी ऑडिटर के पास भी इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई हमें ऑडिट करना है इस स्टेज को, और कंपनी के पास भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए आप देखते हो ना कि बहुत बार क्या होता है, बैंक्स में अगर ऑडिटिंग चल रही होती है तो बैंक्स वाले भी बोल देते हैं अभी हमारे यहाँ ऑडिटिंग चल रही है, अभी और कोई काम नहीं होगा, या कई बार उनके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। हम लोग सुनते हैं बैंक जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां पर भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी होती है कि भाई अभी ऑडिटिंग चल रही है, अभी ऐसा हो रहा है, तो फाइन। सो इट मींस कि इट शुड बी नोटिफाइड प्रियोर दी ऑडिट प्रोसेस, यानी ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशंस देनी होगी, और ये जरूरी होता है। स्टेप थर्ड में आ जाते हैं, ओपनिंग मीटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली जितने भी जब भी हम लोग अपना ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने मीटिंग से करते हैं, जो सीनियर अथॉरिटीज होते हैं या ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स हों, उनके साथ एक मीटिंग करी जाती है, और उनको बताया जाता है कि हमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम कैसे अपना ऑडिटिंग प्रोसेस करेंगे, उनको एक तरीके से पूरा एक जिस्ट में, एक समरी में, समराइज फॉर्म में हम बताते हैं। तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो हम उनको बताएंगे कि भाई हम आपका किस दिन आएंगे आपके ब्रांच को ऑडिट करने, वहां हम फिजिकल एविडेंसेस देखेंगे, आपका इन्वेंट्री चेक करेंगे, तो एक एक पूरा का पूरा चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं, और वो उनको भी दे देते हैं, कंपनीज को भी दे देते हैं कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, आपकी कंपनी का कब रजिस्ट्रेशन हुआ, आपकी जीएसटी, आपके बिल्स एंड वॉइसेस, हमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप हमें प्रोवाइड कराइए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज जो ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं से तो वेरीफाई करते हैं। अगर आपने उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने वुड्स खरीदे हैं, हमारे जैसे हमारा फर्नीचर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो हमने रॉ मटेरियल क्या खरीदा, हमने ग्लू खरीदा, हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, हमने वुड खरीदा है, तो हमारे पास पूरी इन्वेंट्री, उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स अगर पहले से होंगे तभी हम जाकर चेक कर पाएंगे कि भाई हाँ इन्होंने अगर वुड खरीदा है तो इनके पास इतना है, अगर इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ये इस डेट की इनवॉइस है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से दिए जाते हैं। इसी के लिए पहले से ऑडिटर्स एक इंटीमेशन देते हैं कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, और ये सब आप प्रोवाइड कराइए ताकि हमारा ऑडिटिंग प्रोसेस आसानी से लीड हो सके, फाइन। तो सबसे पहले प्लानिंग, देन नोटिफिकेशन, देन ओपनिंग मीटिंग। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फील्ड वर्क। ये तो अभी सारी चीजें कहीं ना कहीं हॉल में, रूम में हो रही थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं जब आप एक्चुअल में जाते हैं और जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आप फिजिकल वेरिफिकेशंस करते हैं, यानी आप फर्नीचर कंपनी में हैं तो आप फिजिकली जाके चेक करोगे कि भाई जितनी भी इन्होंने बोला था एसेट्स, या जितना भी इन्होंने बोला था इन्वेंट्री,
ये इतनी इन्वेंट्री है या नहीं है, तो उसको काउंट करी जाती है, उसको चेक करा जाता है। अगर डाउट्स होते हैं तो पता है इंडिविजुअली भी काउंट करता है, करा जाता है। वरना जब फील्ड वर्क करते हैं तो वो सैम्पलिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम 100% तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, पूरे कंटेनर्स में जैसे केमिकल चेक करना, उन्होंने थोड़ा सा केमिकल ले लिया उसको चेक करने के लिए लैब्स में। सेम इसी तरीके करते हैं कि उन्होंने एक रूम में देख लिया, अच्छा इसमें इतना सारा फर्नीचर है, इतने आ सकते हैं, तो एक असेसमेंट करते हैं, कुछ जाके चेक कर लिया और बाकी नहीं। तो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग, थ्रू सैम्पलिंग, सेम इसी तरह जब वो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स में से कोई भी रैंडमली एक पिक कर देते हैं। ये अगर रजिस्टर्स में हम लोग देखें, इसके सैम्पलिंग का भी पूरी टेक्निक होती है। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करते हैं, रैंडमली ऐसे ही क्या करते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी पेज नंबर उन्होंने ओपन किया और उसको चेक कर लिया। तो इससे क्या होता है कि वो थ्रू द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस वो चेक करते हैं फील्ड में जाके, फिजिकली जिसको हम लोग बोलते हैं चेक करना। अपने डिपार्टमेंट से अपने जो ऑडिटर होते हैं वो अपने इंटर्न्स को भेजते हैं। ठीक, फिर आ जाता है रिपोर्ट ड्राफ्टिंग। अभी जब उन्होंने पूरा, उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उन्होंने फील्ड वर्क में जाकर चेक कर लिया, तो अब क्या करते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं। वैसे वो जनरली रिपोर्ट तुरंत तुरंत लिखते जाते हैं जो भी उनको रिसीव होता है, स्टिल वो एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक, और अगर उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, तो ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर का काम होता है जस्ट स्कैनिंग, वो क्या करता है, वो मेंशन कर देता है अपनी रिपोर्ट में। जब वो ड्राफ्ट करता है रिपोर्ट तो उसमें मेंशन कर देता है, भाई मेरे को ये चीजें मिली या ये चीज की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा जो भी ड्राफ्ट हमने किया है, ये इसके अकॉर्डिंग ये ड्राफ्ट है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है या इतनी मिली है। जो ऑडिटर का उसका काम कभी भी जजमेंट देना नहीं होता है, सिर्फ वो स्कैनिंग करता है A to Z हर एक चीज की, फाइन। फिर अगर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो एक लेटर लिखता है मैनेजमेंट को कि हमें फर्दर और अभी चीजें ढूंढनी है, या अभी हमें इससे हमारी ड्राफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमें, हम अपनी लेटर्स में वो मेंशन करता है कि उसको और कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। अब अगर वो ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट करके वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देता है, तो मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है, या लेटर्स देता है कि भाई अभी यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरे को पूरी नहीं मिल पा रही है, तो वो कुछ एक्शन प्लान्स बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उसके बिहाफ पे मैनेजमेंट के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो अगर पूरी रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट्स के भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फेयर एंड व्यू, फेयर व्यू वाली रिपोर्ट्स होती है ना, तो इसमें मैनेजमेंट के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें कोई करेक्टिव एक्शंस होते नहीं है, तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई वो करेक्ट है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 7, क्लोजिंग मीटिंग। फिर वो एक क्लोजिंग मीटिंग करता है, जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, हायर अथॉरिटीज होते हैं, उनको जितने भी क्वेश्चंस हो उनसे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और मतलब बेसिकली एक, जैसे हम लोगों ने ओपनिंग मीटिंग करी थी, फिर हम एक क्लोज मीटिंग करते हैं, फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें होने के बाद जो ऑडिटर होते हैं वो अलग अलग जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, या जो भी उनके, अगर वो फर्म किसी अकाउंटिंग मतलब ऑडिटिंग फर्म से आए हैं, ऑडिटिंग फर्म को वो अपना रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो आए हैं, या जिसे हम लोग बोलते हैं कैग, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इनकी तरफ से अगर उनको लाया गया है ऑडिटर को, तो वो एक रिपोर्ट उन्हें भी सबमिट करते हैं। बेसिकली वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको किसको जानी है, ये डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, और ये कंपलसरी होता है। और फिर लास्ट आ जाता है फॉलो अप। अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 6 मंथ्स जब भी रिपोर्ट्स जो सबमिट हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फॉलो अप्स लिए जाते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने को बोले गए थे और इन्होंने नहीं लिए। अगर फेयर है तो कोई इशू नहीं आते हैं, फॉलो अप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर कई बार होता है ना कुछ करेक्टिव एक्शंस की, भाई या आप, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, आप बाद में दो या ऐसा है, तो उसके लिए वो 6 मंथ्स का एक टाइम रखा जाता है, ड्यूरेशन रखी जाती है फॉलो अप्स के लिए।
फाइन, तो दिस इज द रिटन प्रोसेस। क्लास किसी और को कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आप सबने अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दी होगी। नो मैम। ओके क्लास, डू मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स विद योर सेक्शन। आगे सेक्शन प्लीज मेंशन कर देना। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग। क्लास, डू मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स विद द सेक्शंस। यस रक्षा, यस यू आर रेजिंग योर हैंड। कोई अपना जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। नो ये जो भी हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मैम, पे। मैं आज मैम क्लास नहीं ओके लेंगी ओके क्या? यस ओके थैंक यू। पता नहीं बेटा, अभी शायद कुछ चेंजेस हुए हैं टाइम टेबल में, तो अभी तीनों सेक्शंस दे दिए गए हैं। यूनिट तो है मेबी आपको जल्दी न्यू टाइम टेबल, थर्ड यूनिट है बेटा ये। ओके मैम। दो यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई। ये थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक था, फाइन। और जब भी अपने ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना, थर्ड वाली यूनिट, तो हम आपको सेंड कर देंगे पूरे यूनिट के नोट्स। आप सब लोग गूगल क्लासरूम में रजिस्टर कर लीजिए। ओके, सबके अटेंडेंस हो गई। तैयबा, साक्षी, वंशिका, साधना, प्रीति, उत्कर्ष, पूजा, स्नेहा, हर्षिता, शिवानी, शिवानी वस्ती, शिवानी गुप्ता, मेघना, प्रिंसी, रक्षा, मुस्कान, पूजा, प्रीति, सबकी अटेंडेंस हो गई। यस मैम, ओके थैंक ओके देन, थैंक यू क्लास, यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम।